11 12 बजे अपनी पढ़ाई खत्म करो और 12 बजे सो जाओ चद्दर टांग के, समझ में आएगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी नाइट। आयुष कहता है कि रात में कैसे पढ़ाई करें। मैं अभी फिर से कह रहा हूं, ज्यादातर ये कपोल कल्पनाएं और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें ये रात के समय ज्यादा आती हैं। ऐसी फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग रात में ज्यादा आती है। बेटर 11 12 बजे अपनी पढ़ाई खत्म करो और 12 बजे सो जाओ चद्दर टान के, समझ में आएगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब 12 बजे अगर सो गए है ना मोबाइल को दूर में रख के, ना तो किसी की फीलिंग आएगी ना कुछ, और सुबह 4 बजे उठना है अपनी किताबें लेके बैठ जाओ। और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के तो किसी को ऐसी फालतू फीलिंग आती नहीं है, रात को ज्यादातर ये फीलिंग आती है, तो बेटर है सो जाओ बात खत्म, और कोई स्केड्यूल ऐसा बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? मेरा तो ये मानना है।